TRS का एक स्पीकर, वायरलेस स्पीकर। तो वेलकम टू TRS म्यूजिक वर्ल्ड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं राजेंद्र रामसन। वेलकम बैक ऑन माय रिव्यू बाजार। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। हम सबको शॉपिंग करनी होती है और हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कौन सा खरीदें, किसकी क्वालिटी गुड होगी, उसकी क्वालिटी पुअर होगी, कोई ओवरचार्ज तो नहीं कर रहा, किसकी प्राइस सही है, ये सारी कंफ्यूजन हम सबको आती है। इसीलिए माय रिव्यू बाजार पर हम अपने ओपिनियन, अपने फीडबैक और दूसरों के रिव्यूज को कलेक्ट करके एक जेन्युइन रिव्यू तैयार करते हैं। सो आज हम रिव्यू करेंगे माय रिव्यू बाजार पर KTRS का एक स्पीकर, वायरलेस स्पीकर। इन्होंने कमिटमेंट किया है भैया, बेटर देन द बेस्ट, बहुत बड़ा कमिटमेंट कर रहे हैं ये लोग। चलिए बात करते हैं हमारे लिए इसके अंदर क्या मिलेगा। इसके अंदर इनका कहना है लिथियम बैटरी चार्जेबल मिलेगी, बहुत ही बढ़िया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। खासकर इनका कहना है कि भैया TF प्ले यानी कि SD कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें FM रेडियो भी चला सकते हैं भैया, और इसके अंदर है ऑक्स फंक्शन भी, यानी कि आप 3.5 mm का जैक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, USB प्ले भी कर सकते हैं और वायरलेस यानी कि ब्लूटूथ से भी इस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के नाम की बात करें तो KTRS का है, वर्जन की बात करें भी 4.2 है। अगर मैं बात करूं इसकी तो बैटरी 1500 mAh से लेकर के 2500 mAh का मिलता है आपको। पावर की बात करें तो इसमें मिलता है DC V5। इसका चार्जिंग टाइम 2 से 3 घंटे का बताया गया है। इसमें प्लेबैक यानी कि कितना चलेगा ये, तो इनका कहना है 6 से 7 घंटे, पर जनरली ये तो होता नहीं है, हो सकता है ये 4 से 5 घंटे चले और हो सकता है 3 घंटे चले, लेकिन 4-5 घंटे तो चलना चाहिए। इसमें ये UX मिलता है आपको, USB भी मिलता है, आपका ब्लूटूथ वर्जन V4.2 और FM टर्नर है। तो ये सारी क्वालिटीज हमको इस स्पीकर के अंदर मिलेंगी। बात करें ये स्पीकर कितने का खरीदा जा सकता है, तो ये ऑनलाइन खरीदने जाएं तो ये स्पीकर हमारे लिए पड़ेगा तकरीबन 400 का। एक्यूरेट प्राइस मैं नहीं बता सकता क्योंकि कई सारे मार्केट प्लेसेस पर ये अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अमेजोन पर नहीं है, फ्लिपकार्ट पर भी नहीं मिला मेरे को आज की डेट में। आगे इन फ्यूचर मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट की लिंक दे दूंगा। चलिए तो इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलता है हम लोगों के लिए। सो लेट्स ओपन दिस प्रोडक्ट, व्हाट इज इनसाइड। इसके अंदर मिला है मुझे ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ये स्पीकर। क्या है इसके अंदर, इसमें KTRS का लोगो है, इसमें ये छोटा सा एक स्पीकर है और इसका ये ब्यूटीफुल सा लुक है। इस पर ब्लूटूथ का एक लोगो छपा हुआ है। ये कैरी करने के लिए इसके अंदर एक हैंडल दिया गया है। इसके अंदर हमें ये यहाँ पर मिलता है स्विच ऑन का बटन। तो Welcome to KTRS Music World। ये चार्जिंग पिन के लिए ऑप्शन है जो कि हमारे नॉर्मल जो सैमसंग के फोनों में लगती है वो पिन है। और इसमें अपने को ये वॉल्यूम लो और हाई करने का ऑप्शन, यहाँ पर हमें मिलता है SD कार्ड लगाने का, यहाँ पर हमें USB ड्राइव लगाने का, और ये यहाँ पर हम अपना 3.5 mm का जैक जो पिन होता है वो भी लगा सकते हैं। इसको हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देख लेते हैं। इसको आप अपने लैपटॉप पर, अपने PC पर, अपने मोबाइल पर, ज्यादातर ये रूरल एरिया में उपयोग किए जाने के लिए बेटर स्पीकर है। इसको लोग अपने आरती वगैरह में उपयोग करते हैं। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ कनेक्ट KTRS। मेरे को मिल चुका है KTRS के नाम से, ये कनेक्टेड हो चुका है। चलिए मैं अब आपको इस स्पीकर का जो है साउंड सुना देता हूँ, क्या इसका क्वालिटी है, किस प्रकार का इसका साउंड है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम है,
ठीक है। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। तो ये था इसका हाईएस्ट वॉल्यूम। ये कैरी करने में बहुत ही छोटा है, लो वेट है, तो हम अपने इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, कहीं भी इसे हैंगर पे लटका सकते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज हैं, इससे हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। सो ये तो रहा हमारा इस प्रोडक्ट का साउंड क्वालिटी। अब बात करें इसके अंदर कि इसका जो चार्जिंग कितना चलेगा। तो इसका चार्जिंग जो कि मैंने चेक किया है वो जेनुअनली हमारा 5-5.5 घंटे चलता है, अगर एक बार हम 2-3 घंटे फुल चार्ज कर लें इसे। तो बात करूं इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये स्पीकर बढ़िया है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही बढ़िया है, बट एक छोटे बजट में अगर आपको स्पीकर चाहिए तो ये स्पीकर बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, आप खरीद सकते हो किसी भी ऑनलाइन प्लेस से जाकर के और किसी भी फिजिकल स्टोर से जाकर के, मिल सकता है आपके मार्केट के अंदर, और नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन जाकर के इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक जहां से जाकर के आप बाय कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। मेरा जेन्युइन और बिल्कुल रियलिस्टिक फीडबैक की बात करूं तो बहुत ही हाई क्वालिटी का ये स्पीकर नहीं है, पर बहुत ही पुअर क्वालिटी का भी स्पीकर नहीं है। फिर मैं इसको 3.5 की रेटिंग दूंगा और इसको वैल्यू फॉर मनी है, ये बात सच है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो उसको सॉल्व करने का बेटर तरीका होता है शॉपिंग के दौरान कि आप लोगों के फीडबैक सुने, लोगों के रिव्यूज पढ़ें, उससे आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिल सकती है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग ऑल द वीडियोस, को देखते रहिए। I'll meet you with another video.